नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। स्टॉक बाजार चैनल पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वालिटी वीडियोस मिलते हैं जिससे आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं, कौन से शेयर आपको बाय करना चाहिए, किस शेयर में किस रीजन के लिए आपको बाय करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कौन सा शेयर अभी बोनस शेयर देने जा रहा है। दोस्तों जनरली जो बोनस शेयर देते हैं वो काफ़ी अच्छी कंपनियाँ ही ज़्यादातर देती है, तो इससे आप अच्छे अच्छे कंपनियों को भी फिल्टर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर बोनस शेयर देने वाली कंपनी अच्छी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो कंपनियाँ होती है वो अच्छी कंपनियाँ होती है जो बोनस शेयर दे रही है आपको, तो उसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट बोनस शेयर के न्यूज़ के कारण जो शेयर होता है उसमें तेजी होता है, और जो डिफरेंट टेक्निकल एनालिसिस उसका यूज करना है। विदाउट टेक्निकल एनालिसिस आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको स्टॉप लॉस डिटरमाइन करना पड़ता है, टारगेट आपको क्या लेना है वो भी डिटरमाइन करना पड़ता है, और फिर आपको शॉर्ट टर्म में निकलना पड़ता है। लॉन्ग टर्म के लिए कोई मैटर नहीं करता आप टेक्निकल एनालिसिस को जानते हैं या नहीं जानते हैं। जब भी शेयर में गिरावट हो लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय कर सकते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होना चाहिए। तो देखिए जो तीन शेयर है जिसमें अभी बोनस शेयर मिलने जा रहा है वो उसमें पहला है सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये इसका करेंट प्राइस है 695 रुपया और 5% की इसमें तेजी है, तो ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है और लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय कर सकते हैं। जब भी गिरावट हो तो देखिए गिरावट में देखिए यहाँ राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है। आपको कई बार कहते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती है जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न इस तरह की बनाती है, तो जैसे ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए आप ट्रेंड होती है तो उसी समय आपको एंट्री लेना होता है। जैसे आपको लग रहा है कि ये बॉटम बनाने लगी है तो आप कुछ क्वांटिटी वहाँ पे लें, जैसे अब ट्रेंड इसका शुरू होगा तो फिर आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे, एक ही बार नहीं लेना, क्योंकि हो सकता है कंपनी जैसे यहाँ था हो सकता है यहाँ से भी गिरावट ज़्यादा हो जाए, तो जब तक अप ट्रेंड वो दिखाने ना लगे तब तक फुल क्वांटिटी नहीं लेना है, छोटे छोटे क्वांटिटी हर लेवल पे आपको लेते रहना है। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 946 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप में भी काफ़ी छोटी कंपनी है। कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, डिविडेंड है 0.08%, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 15%, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.9%, बुक वैल्यू है 177 का, डेट टू इक्विटी है 0.78 का, और कंपनी के ऊपर जो डेट है 197 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का 29.6 करोड़ का, तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी अच्छी है। अब वहीं बात करें दूसरे कंपनी का, दूसरी कंपनी है साधना नाइट्रो केमिकल लिमिटेड, 62.20 रुपीज़ इसका प्राइस है करेंट, और अगर बात करें ये कंपनी तो काफ़ी रिटर्न दी है 5 ईयर्स में, लेकिन जब भी गिरावट हो तभी इन्वेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर आप फंस सकते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय कर सकते हैं जब तक बोनस शेयर का जो एक्स डेट है वो नहीं आ जाता है। जैसे आपको हमने बताया सरासर टेक्नोलॉजी, इसका भी बोनस शेयर का जैसे एक्स डेट देखना है, यहाँ बैलेंस शीट में आना है, कॉर्पोरेट एक्शन पे क्लिक करना है। जैसे कॉर्पोरेट एक्शन पर आप क्लिक करते हैं तो ये बोनस शेयर का एक्स डेट है, 13 जुलाई 2021 इसका एक्स डेट है, तो यहाँ पर आप 13 जुलाई से पहले आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि बोनस शेयर के कारण तेजी रह सकता है, या उल्टा भी हो सकता है कि गिरावट भी हो, क्योंकि ऑपरेटर का जो खेल है वो हर जगह होता है। अगर आपको लगता है कि ऊपर जाएगा तो बहुत सारे जो ऑपरेटर होते हैं वो स्टॉक को नीचे ले आते हैं। उसके बाद बात कर रहे थे हम साधना नाइट्रो केमिकल्स, तो इसका जो फंडामेंटल है उसकी बात करें तो ये भी कंपनी काफ़ी छोटी है, 869 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये भी काफ़ी छोटी कंपनी है साधना नाइट्रो केमिकल। और बात करें इसके बुक वैल्यू का, तो बुक वैल्यू 9 का है, तो इसका बुक वैल्यू काफ़ी कम है, कोई डिविडेंड पे नहीं करती है, करंट प्राइस 62.20 रुपीज़ है, प्रमोटर्स होल्डिंग 74% है, जो मैक्सिमम लगभग 75 होता है, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आपका प्रमोटर्स का होल्डिंग जो है 60% हो छोटी कंपनियों में, जो माइक्रो कैप कंपनी है, तो काफ़ी बेहतरीन है। जो ब्लू चिप कंपनी हो 40% भी हो 50% तो भी चलेगा। अगर डेट की बात करें तो 80.3 करोड़ का डेट है, और रिजर्व जो है 116 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट की बात करें 15.9 करोड़ का है, और इस तरह से ये कंपनी भी काफ़ी बेहतरीन। अगर बात करें इसके जो कॉर्पोरेट एक्शन है तो यहाँ पर देखिए 15 जुलाई इसका एक्स डेट है, और 2:5 का ये बोनस शेयर दे रहा है, तो अगर आपके पास 15 जुलाई से पहले तक स्टॉक रहता है तो आपके बोनस भी मिलेगा, साथ साथ शॉर्ट टर्म का जो ट्रेडिंग है वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको हमने पहले ही बता दिया उसके लिए काफ़ी अच्छा टेक्निकल एनालिसिस होना चाहिए। और साथ ही साथ बता दें कि ये स्टॉक काफ़ी बार बोनस और स्टॉक स्प्लिट किया है, देखिए 1, 2, 3, 4 टाइम्स 2019 से अभी तक में 4 बार बोनस और स्टॉक स्प्लिट दे चुका है, तो ये स्टॉक काफ़ी ग्रोइंग मोड में है। उसके बाद आता है टाइड वाटर आइलैंड कंपनी लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, करेंट प्राइस इसका काफ़ी हाई है 12,130, और आज देखते हैं 63 रुपीज़ डाउन था ये स्टॉक, और ये स्टॉक भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए देखते हैं
ऊपर की ओर ट्रेंडिंग हुआ है, तो ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। अगर फंडामेंटल्स की बात करें, मार्केट कैप 4,232 करोड़ का है और बात करें क्रेडिट प्राइस का तो 12,130 रुपीज का है लगभग। वहीं बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू भी काफ़ी शानदार है, 2,114 का है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.24% का डिविडेंड यील्ड है और कंपनी में प्रमोटर्स का जो स्टेक है 57.3% का है, कोई भी शेयर इसमें से प्लेज नहीं है। और डेट टू इक्विटी की बात करें 0.02 का डेट टू इक्विटी रेशियो है और टोटल डेट की बात करें 18.3 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट की बात करें 141 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। रिजर्व की बात करें 735 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, तो हर पैरामीटर पर यह कंपनी काफ़ी सॉलिड है। तो ये बोनस शेयर के जिसमें बोनस शेयर का न्यूज है वो कंपनी हमने आपको बताया, शॉर्ट टर्म के लिए इसमें तेजी रह सकती है। मुख्य रूप से फायदा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को होता है, उनके शेयर काफ़ी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। साथ ही साथ बोनस शेयर के बाद इसमें काफ़ी लिक्विडिटी आएगा तो शेयर प्राइस में करेक्शन भी देखने मिल सकता है। तो जो बोनस शेयर होता है इन सारे स्टॉक्स पे नज़र रखना है, जो रेगुलर बोनस दे रहा है वो सारे शेयर आपके पास जरूर होने चाहिए। अगर आपको उसमें ग्रोथ दिख रहा है तो जो शेयर लगातार बोनस दे रहा है वो जरूर होने चाहिए, क्योंकि बोनस काफ़ी ज़्यादा कंपाउंडिंग का काम करता है और काफ़ी बेहतरीन वेल्थ क्रिएट करके देता है अपने इन्वेस्टर को। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो। लाइक और शेयर करना है, चाहे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।